नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव द्वारा फैलाए गए समाजवाद के बारे में। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अपना बंगला, सरकारी बंगला खाली कर दिया है और उस सरकारी बंगले को खाली करते वक्त वहां पर फैलाया गया है अंतहीन समाजवाद। अखिलेश यादव ने उस बंगले को खाली करते वक्त उस बंगले में जो एक आलीशान स्विमिंग पूल था, उस स्विमिंग पूल में सीमेंट भरवा दी है और सीमेंट भरवाने से पहले वहाँ की टाइलों को उखाड़ दिया गया है। उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट था, उस बैडमिंटन कोर्ट से नेट को निकाल लिया गया है और नेट को निकालना समझ में आता है, चलिए नेट निकाल लिया गया, लेकिन उस बैडमिंटन कोर्ट में बिछी गई टाइल्स थी, उन टाइल्स को भी हटा दिया गया है। अब टाइल को हटाने का क्या औचित्य है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइल एक बार निकालने के बाद बेकार हो जाती हैं और उन टाइल को दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो टाइल निकालने का क्या मतलब था, ये हमें समझ में अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्या गड़ा हुआ था उस बैडमिंटन कोर्ट के नीचे, या ऐसा क्या गड़ा हुआ था उस स्विमिंग पूल के नीचे, जिसको बचाने के लिए अखिलेश यादव ने टाइल्स को उखाड़ दिया। वहीं उसी घर के, उसी बंगले के स्विच बोर्ड्स को तोड़ दिया गया है, एसी डक्टिंग्स को निकाल लिया गया है, एसीओं को निकाल लिया गया है और जितने भी स्विच बोर्ड थे, एक एक स्विच बोर्ड को तहस नहस कर दिया गया है। जो फ्लोर पर टाइल्स बिछी हुई थी, उन फ्लोर की टाइल्स को निकाल लिया गया है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो उस बंगले को तहस नहस कर दिया गया है। और ये बंगला 2016 में अखिलेश यादव ने अपनी आंखों के सामने बनाया था, लेकिन इस बंगले में जितना भी साजो सामान करवाया था, जितने भी इम्पोर्टेड टाइल्स लगवाई थी, जितना भी ऐशो आराम की चीज़ें आई थीं, वो सब अखिलेश यादव ने 2016 में अपनी आंखों के नीचे करवाया था। और इस बंगले को बनवाने का, साजो सामान का जितना भी खर्चा था, वो सभी का सभी खर्चा राजस्व से गया था, यानी कि सरकारी पैसे से गया था। यानी कि अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स पेयर्स की मनी से ये पूरा का पूरा बंगला बनाया गया था और इस बंगले में 42 करोड़ रुपए की लागत आई थी 2016 में। और ज़मीन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ज़मीन में तो अलग पैसा खर्चा हुआ था, लेकिन जो 2016 का बात करें तो 2016 में अखिलेश यादव ने 42 करोड़ रुपए इस बंगले पर लगाए थे और आज वो 42 करोड़ रुपए, जो कि टैक्स पेयर का पैसा था, वो सब तहस नहस हो चुका है। अब इसी बंगले में कोई दूसरा मंत्री आएगा, उस दूसरे मंत्री के ऊपर इसी प्रकार से फिर से खर्चा किया जाएगा और उस खर्चे का भुगतान कौन करेगा, पब्लिक। तो अखिलेश यादव ने इतना बड़ा जुर्म किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को, 42 करोड़ रुपए को एक तरीके से आग लगा दी है, और अखिलेश यादव इस प्रकार का जुर्म करने के बाद ठिठोलियां बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। मीडिया हाउसेस के सामने वो आ रहे हैं, वो बिना शर्म के साथ कह रहे हैं कि अधिकारियों को मैंने कप प्लेट उठवाई थी और आज उन्हीं अधिकारियों ने मेरे खिलाफ़ नोटिस दे दिया कि आपको यह बंगला खाली करना पड़ेगा। यानी कि जो लोग आईएएस की परीक्षाएं देते हैं, वो इतने मेहनत करके इतनी आगे बढ़ते हैं, वो एक डायनेस्ट के सामने कप प्लेट उठाते हैं। अखिलेश यादव आईएएस के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं और वो आज खुद इस बात को कह रहे हैं कि इन अधिकारियों से तो मैं कप प्लेट उठवाता था, और कह रहे हैं कि सरकार तो फिर से चेंज हो जाएगी और जब मेरी सरकार वापस आएगी तो इन्हीं अधिकारियों को वो देख लेंगे। कुछ इस प्रकार की भाषा अखिलेश यादव यूज़ कर रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते वक्त। ये जो अधिकारी कर रहे हैं, ये जान लें, सरकार तो आती जाती रहती है। हमने कई अधिकारियों को देखा है कप उठाते हुए, प्लेट उठाते हुए। ये वही अधिकारी है जो करवा रहा है, जो किसी जमाने में हमारे सामने प्लेट और कटोरी उठाते थे। मैं चाहता हूं कि मेरा जो सामान छूट गया है वहां पे, बरना के पेड़ छूट गए मेरे, बरना के पेड़। मैं चाहता हूं कि बरना के पेड़ में
और उनको इतनी सी रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही उन्होंने उस बंगले के साथ क्या किया। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे और छूट गए हैं, उन पेड़ पौधों को भी लेना है मुझे, मेरे पेड़ पौधे मुझे वापस लौटाए जाएं। उस मकान में एक मंदिर को छोड़कर बाकी कुछ भी सही नहीं है। अगर हम दूसरी ओर चलें और अखिलेश यादव के नए मकान की बात करें, तो उस मकान का जब इनॉग्रेशन था, उस इनॉग्रेशन वाले दिन अखिलेश यादव मंदिर गए थे, और जब वो मंदिर जा रहे थे तो उस मंदिर जाते वक्त वो साइकिल पर जा रहे थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा हुजूम था जिसमें उनके बच्चे और उनका चौकीदार भी शामिल था, और वो सभी लोग साइकिल पर ही जा रहे थे। अखिलेश यादव की जो साइकिल थी वो BMW कंपनी की थी और कम से कम 3 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की वो साइकिल थी। उनके बच्चों के पास भी BMW कंपनी की साइकिल थी जिसकी कीमत भी 3 लाख 3.5 लाख से कम नहीं होगी, और चौकीदार तक को इसी प्रकार की साइकिल दे रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि इतना रईस आदमी जो BMW कंपनी की साइकिल चलाता है, जिसमें हम आम आदमी एक ऑल्टो कार ले सकते हैं, वो आदमी 42 करोड़ रुपए का बनाया गया उस मकान का जो हालत करके गया है, उस पर उसको रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही है। क्या ये समाजवाद है? आप खुद समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।